हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शादी पार्टी वाली आलू परवल की टेस्टी सब्ज़ी। बहुत ही यमी सब्ज़ी बनती है ये और ग्रेवी वाली होती है। तो कैसे बनेगी तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आलू और परवल का इसे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। इस तरीके से आप जिस तरीके से काटना चाहें काट सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो शादी और पार्टी में अक्सर ऐसे ही करता है। फिर इसको काट लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद हम सेमी फ्राई कर लेंगे अपने परवल और आलू को। तो सबसे पहले हम परवल कर लेते हैं। परवल डाल लिए हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेमी फ्राई किया है, तो परवल डाल दिया है और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे कि अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। हमें एकदम फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मोटे रखना है, सेमी फ्राई करना है। ओके, तो ये बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्डन कलर्स पे चढ़ने लगा है और इस तरीके से बस हमें इतना ही फ्राई करना है। इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। ये फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर, एक प्लेट में कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अपने आलूओं को भी इस तरीके से फ्राई करके रख लेंगे। ये हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे आलू और परवल दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब उसी तेल में ही हम अपना तड़का लगाएंगे। अगर तेल ज़्यादा हो तो आप तेल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हींग डाला है और जीरा और लाल मिर्च से हम तड़का लगा रहे हैं। आप चाहे तो खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ खड़े मसाले यूज़ नहीं किए हैं। फिर हम इसे जीरा चटकने देंगे और लाल मिर्च भी हल्की सी फ्राई होने देंगे। हरी मिर्च फाइन चॉप करके हम इसमें डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दो ऑनियन को हमने स्लाइसेस में करके डाल दिया है फ्राई होने के लिए, हल्का गोल्डन ब्राउन होने के लिए। जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा था तो हमने अपने मसाले हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी में, हमने यहाँ पर अपने मिक्स सब्जी मसाला लिया जो हमारे घर पर बनता है, और इसकी जगह आप एक मीडियम साइज़ का चम्मच धनिया पाउडर लीजिएगा, आधी छोटी चम्मच आप जीरा पाउडर लीजिएगा और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला लीजिएगा। ये आपके लिए इनफ है। और यहाँ हल्दी आधी छोटी चम्मच और रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं या देगी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं जो तीखा कम हो, और कलर के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ गरम मसाला भी हमने डाल दिया आधी छोटी चम्मच। इन सारे मसाले को हम थोड़े से पानी में भिगो के रख देंगे जब तक हमारे प्याज व्याज फ्राई हो रहे हैं। और एक साइड हम प्याज भी अपने देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज लगभग हो गए हैं। और फिर प्याज होने के बाद हम अपने कुचे हुए लहसुन वगैरह डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं और सिर्फ कूच के भी डाल सकते हैं क्रश करके। तो हमने यहाँ क्रश करके डाला है। थोड़ा हम यहाँ पर खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं कि प्याज व्याज सब खड़ा हो। और फिर यहाँ पर जो हमारे भिगे हुए मसाले थे वो डाल दिए हैं, उनको डाल के अच्छे से आप भूनना है कि जब तक इसमें से तेल ना रिलीज़ हो जाए। तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं, तीखा नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे मसाले भून चुके हैं। और अब हम अपने यहाँ पे सब्जियाँ डाल देंगे। जो हमने फ्राई की हुई सब्जियाँ थी वो सारी यहाँ पर मिक्स कर देंगे और अपने टेस्ट सब्जियों को अच्छे से मसाले में सब मिक्स कर देंगे। हमारी वैसे भी सब्जियां फ्राई हैं, बस 2 मिनट हमें इसमें मिक्स करना है। और टमाटर हमने एक कटोरी, अच्छा एक बड़ा टमाटर हमने, अगर बड़ा ना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के इसमें डाल दीजिएगा। थोड़े मोटे ही काट के डालिएगा, वो दिखते हैं टमाटर तो अच्छा लगता है और टेस्ट। शादी वादी में तो टमाटर कटे कटे बड़े बड़े पीसेस दिखते तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से हम इसमें काट के डाल देंगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। अभी पानी हमने नहीं डाला है, इसको ढक के 2 मिनट ऐसे ही इस मसाले में पकने देंगे टमाटर वमाटर सबको। फिर खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्जियाँ फ्राई हो चुकी हैं। ये फ्राई हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपना पानी यूज़ करेंगे। जितना आपको ग्रेवी रखनी है, जितनी थिक रखनी है ग्रेवी, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। कम ग्रेवी वाला बनाना चाहें तो आप कम ग्रेवी भी इसमें रख सकते हैं, अपने हिसाब से ग्रेवी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 ग्लास लिया है पानी, वो डाल दिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। हमारी सब्ज़ियाँ 60-70% वैसे भी पक चुकी हैं, बस 20% और पकाना है तो कच्चापन निकल जाए, अच्छे से मसाले सब पक जाएँ, सारे मसाले सब्जियों में मिक्स हो जाएँ, नमक वमक सब। इतना हमें बस पकाना है, हल्का गाढ़ा करना है। तो ये ढक के हम फिर से रख देंगे 2 मिनट पकने के लिए। 2 से 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। तो आप इससे कम और पानी कर सकते हैं। हमने थोड़ा ग्रेवी के साथ इसलिए बनाया कि हम चावल के साथ इसे खाने वाले हैं। और ये लास्ट में सबसे कस्तूरी मेथी हमने डाल दिया है क्रश करके, और इसको फिर 1 मिनट और पकने देंगे कस्तूरी मेथी के साथ। फिर इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमने डाल दिया है धनिया, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है।
आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें खटाई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, खटाई पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, मैं ये बताना भूल गई थी। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।